तो अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसकी उसके लिए मैंने ये पीपीटी का इस्तेमाल किया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ही स्लाइड है और उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर 10 स्लाइड्स को जो है बिठाया है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 ओके, ये अलग अलग स्लाइड्स है। अब इसका मेकिंग मैं आपको सिर्फ 30 या 45 सेकेंड में बताऊंगा। दूसरा स्लाइड यहाँ पर या दूसरा पावर पॉइंट ओपन करके यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 स्लाइड्स मैंने ओपन किए हैं ओके, अलग अलग कलर, जैसे कि आपको समझ में आए कि एक ही स्लाइड के अंदर हमने ये सब बिठाए हैं। अब इसको पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन है, या इंसर्ट ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पर जूम लिखा हुआ है, जूम को यहाँ पर क्लिक करें, समरी जूम को क्लिक करें ओके। और उसके बाद कौन से स्लाइड्स आपको चाहिए, आपको एक स्लाइड के अंदर सपोज 1 2 3 4 जितने स्लाइड्स भी आपको चाहिए वो स्लाइड्स आप इसके अंदर ले लें ओके। तो टोटल यहाँ पर 8 स्लाइड्स है, इसको इंसर्ट कीजिए तो ये 8 स्लाइड्स एक ही स्लाइड्स में आ जाएंगे। अब इन सबको जो है आप इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ फॉर्मेट में जाकर जो है आप इसके अंदर जूम इफेक्ट्स के अंदर जो है आप प्रीसेट इसका चेंज कर सकते हैं ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे जूम इफेक्ट्स और प्रीसेट के अंदर जो है आप स्लाइड्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आप चाहे वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरह से इसको अरेंज करता हूँ ओके। और झट से हम स्लाइड शो ऑफ करेंगे, इसी स्लाइड शो से स्लाइड शो इसी की स्लाइड से हम स्लाइड शो ओपन करेंगे। अब ये जो है 8 स्लाइड्स एक स्लाइड्स के अंदर आ गए और सिर्फ मैं अब एंटर या फिर नेविगेशन की यहाँ पर हमको क्लिक करना है इसको इस तरह से, तो ये ओपन हो जाएगा ओके। फिर ये सेकेंड स्लाइड है और ये रेड वाला स्लाइड ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है डार्क रेड वाला स्लाइड ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये येलो वाला स्लाइड ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये, यानी एक ही स्लाइड के अंदर हमने 8 स्लाइड्स बिठाए हैं। अब इसको थोड़ा सा जो है हम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि ये स्लाइड का पोर्शन दूसरे स्लाइड में ना जाए, इसीलिए। तो आप 10, 20, 30, 40, 50 स्लाइड्स डॉट डॉट के फॉर्म में जो है आप स्क्वायर डॉट के फॉर्म में यहाँ पर इसी स्लाइड में अरेंज कर सकते हैं और आपका प्रेजेंटेशन एक ही स्लाइड से, मास्टर स्लाइड से आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो और प्रेजेंटेशन आपको अगर पसंद आया होगा तो जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।